ग्वालियर में 3 दिन पहले अग्निपथ योजना के विरोध में हुए उपद्रव के मामले में पुलिस को एक पूर्व फौजी की तलाश है। इसे पुलिस पूछताछ के बहाने थाने तक तो ले गई, लेकिन चकमा देकर ये फौजी निकल गया। पूर्व फौजी मनोज फिजिकल ट्रेनर है। मनोज पर अग्निपथ योजना को लेकर सेना की तैयारी कर रहे युवाओं को भड़काने और उन्हें गोला मंदिर में एकजुट कराने का आरोप है। उपद्रव वाले दिन सोशल मीडिया में मनोज का एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। पुलिस ने उस पर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। केंद्र सरकार की भर्ती स्कीम अग्निपथ को लेकर पूरे देश में उपद्रव हो रहा है। विशेषकर सेना की भर्ती करने वाले युवा इसके खिलाफ है। इनमें 4 साल की नौकरी का प्रावधान है, जिसके विरोध में 16 जून को ग्वालियर में अग्निपथ योजना को लेकर हजारों की संख्या में युवाओं ने गोला का मंदिर में विरोध प्रदर्शन किया। रेलवे स्टेशन में जाकर तोड़फोड़ और आगजनी भी की। बताया जा रहा है कि जिले से संचालित होने वाले व्हाट्सएप ग्रुप पर युवाओं को गलत जानकारी दी गई और एक जगह पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया, जिसके बाद उपद्रव भड़क उठा। हाल में ही सोशल मीडिया पर उपद्रव वाले दिन का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मनोज फौजी खुद की सेल्फी लेता और युवाओं को उकसाते दिख रहा है। अब पुलिस ने फिजिकल ट्रेनर पर फंदा कस दिया है। इस मामले में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने आदेश जारी किए हैं कि जिले में कोई भी फिजिकल क्लब बिना अनुमति के संचालित नहीं होगा। ऐसे क्लबों को क्षेत्रीय एसडीएम कार्यालय से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। वहीं पुलिस मनोज को पूछताछ के लिए थाने लाई थी। उस पर उपद्रव में शामिल होने का संदेह था। पूछताछ के बाद वो थाने के बाहर खड़ा था और तभी पुलिस को फुटेज मिले। पुलिस ने उस पर FIR की तैयारी शुरू की। फौजी को इसकी भनक लगी तो वो थाने से ही भाग गया, जिसके बाद पुलिस ने उस पर 5,000 रुपयों का इनाम घोषित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट न्यूज। इन दोस्तों देखो कैसे युवाओं ने अब यहाँ पर जो है ग्वालियर में बड़ी संख्या में आकर विरोध प्रदर्शन किया है।